दोस्तों आज मैं आपके लिए भरवा शिमला मिर्च की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और यह रेसिपी देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती है। और इसमें जो आलू के मसाले होते हैं वह तीखे, चटपटे और मसालेदार होते हैं। मेहमानों के आने पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, टेस्टी के साथ साथ बहुत ही यूनिक लगते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आज की बहुत ही सिंपल और टेस्टी भरवा शिमला मिर्च की रेसिपी शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 300 ग्राम शिमला मिर्च लिए हैं। इसे मैंने अच्छे से धोकर पोंछ लिए हैं। अब इसके डंठल को काटकर हटा देंगे। तो नाइफ की मदद से इस तरह डंठल को कट करें और इसके डंठल के साथ साथ बीज को भी हटा दें। देखिए यह बहुत ही इजीली निकल जाते हैं इस तरह। मैंने यहाँ पे थोड़े बड़े साइज के शिमला मिर्च लिए हैं तो इसमें बीज ज़्यादा होते हैं, तो मैं इसके बीज को भी हटा दे रही हूँ। आप चाहें तो इसके बीज को स्टफिंग के साथ फ्राई करके ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे शिमला मिर्च के डंठल को काटकर हटा दिए हैं। तो अब चलते हैं इसका स्टफिंग बनाने की तरफ। तो गैस पे मैंने एक कढ़ाई गरम होने रखा था। इसमें डालेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल। जैसे ही ऑयल अच्छे से गरम हो जाएंगे तो आधा चम्मच यहाँ पे जीरा डाल दें। उसके बाद एक मीडियम साइज के प्याज को मैंने बारीक काट करके डाला है और साथ ही मैंने हरी मिर्च भी ऐड किए हैं। हरी मिर्च को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्याज का कलर चेंज हो गया है, यह अच्छे से भून गए हैं। तो यहाँ पे डाल देते हैं मसाले। तो 1 चम्मच यहाँ पे डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी कुछ सेकेंड के लिए पका लें जिससे इनका कच्चापन निकल जाए। इसके साथ ऐड करेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा डालेंगे यहाँ पे गरम मसाला। यह बहुत ही अच्छा फ्लेवर लेके आता है। तो अब इन सबको कुछ सेकेंड के लिए पका लें। इसके बाद यहाँ पे डालेंगे आलू। मैंने 4 मीडियम साइज के आलू को बॉईल करके इसे मैश कर लिए हैं। आलू को मसाले के साथ मिला दें। यहाँ पे आलू मसाले के साथ अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। तो ऐड कर देते हैं स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ा सा लेमन का जूस। इसके जगह पे आप आमचूर पाउडर या चाट मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं। जब मसाले ऐड कर रहे थे उसी टाइम ऐड कर दीजिए। और लास्ट में डालेंगे धनिया पत्ता और इन सबको अच्छी तरह मिला लें। और अब हमारा बहुत ही चटपटा तीखा मसालेदार आलू का मसाला बनकर तैयार है। तो अब शिमला मिर्च को स्टफिंग कर लेते हैं। तो स्पून की मदद से मसाले को लें और इस तरह मसाले को अच्छी तरह शिमला मिर्च में भर दें। अगर स्पून से नहीं हो रहे हैं तो आप हाथों से भी कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि स्टफिंग ठंडा हो जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक शिमला मिर्च को अच्छी तरह भर लिया है। इसी तरह बारी बारी करके सभी को भर लेंगे। यहाँ पे सभी शिमला मिर्च अच्छे से भर लिए हैं मैंने। तो चलते हैं इसे पकाने की तरफ। तो गैस पे मैंने एक कढ़ाई गरम होने रखा है। इसमें डालेंगे सरसों का तेल। तो 3 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल दीजिए और इसमें शिमला मिर्च को रख देंगे और इसे ढककर मीडियम टू लो फ्लेम पे 6 से 7 मिनट पकने दें। 6 से 7 मिनट बाद देखिए यह थोड़ा सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब इसे पलट देंगे। और वापस से इसे ढककर 3 से 4 मिनट और पकने दें। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखें कि गैस का फ्लेम मीडियम टू लो ही रखें, इससे शिमला मिर्च बहुत ही अच्छे से पकते हैं। तो देखिए अब इसे बिना ढके उलट पलट कर चारों तरफ पका लेंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप इसे खास दिन पे बनाएंगे जैसे संडे हो गए या घर में कोई मेहमान आ गए और कोई भी सब्जी समझ में नहीं आ रही है तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए यह कितने अच्छे से पके हैं। शिमला मिर्च को तो वैसे कच्चे भी खाया जाता है, आप चाहें तो इसे कम भी पका सकते हैं, लेकिन मैंने इसे ब्राउन कलर आने तक पकाया है ताकि यह देखने में और भी खूबसूरत लगे। तो अब मैं आपको यहाँ पर कट करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स आपको देख कर समझ में आ रहे होंगे कि स्टफिंग कितने अच्छे से इसमें भरे हैं। तो फ्रेंड्स एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और ट्राई करने के बाद अगर रेसिपी पसंद आती है तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मेरी कोशिश यही रहती है कि सिंपल तरीके से रेसिपी को बनाया जाए और किचन में अवेलेबल सामान से ही रेसिपी बन जाए।
ताकि आपको रेसिपी बनाते समय बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।